अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम दाऊद यूनिवर्सिटी के एलुमनाई डिनर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे दो इंजीनियर्स हमारे साथ हैं, इनसे तारुफ भी लेते हैं और इनकी यादों को भी ताज़ा करते हैं। अपना नाम भी बताइएगा और कौन से बैच से। सैयद शुएब हुसैन रैदी नाम है, 08 इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं हम लोग। सैयद अली असगर और 08 इलेक्ट्रॉनिक्स बैच है हमारा। क्या यादें हैं दाऊद इंजीनियरिंग की? सर, दाऊद इंजीनियरिंग की वही मैं भी बैठ के दोस्त से कह रहा था। मैंने कहा कि इस इदारे ने बेसिकली चेंज कर दिया सब कुछ, मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कर दिया हम लोगों की लाइफ को। बेसिकली मैं अभी जो है वो एज अ जूनियर साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ हांगकॉन्ग में। मतलब बैचलर्स करने के बाद फिर पीएचडी किया, मास्टर्स किया, पीएचडी किया और अब सिंस आई फिनिश माय पीएचडी 2.5 साल से मैं जो है वो एज अ जूनियर साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ हांगकॉन्ग के अंदर। तो ये मतलब एक नर्सरी है जो कि बेसिकली चेंज कर रही है लाइफ को, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से आपको करीब करती है। इवन दो के बहुत ज़्यादा एक अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन ये एक बिगनिंग होती है एक बहुत बड़े चेंज की तरफ। तो यही बस यादें हैं यहाँ की और बहुत टीचर्स बेसिकली नो डाउट अभी भी हम वही टीचर्स देख रहे हैं जो हमारे वक्तों में थे, मगर काफ़ी चेंज है टोटली। क्या शरारतें क्या करते थे आप लोग उस समय? शरारतें तो बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते। तो बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशगवार यादें हैं इन्हीं कॉरिडोर्स के अंदर एक दूसरे के साथ हर तरह की शरारतें करना जो कि स्टूडेंट लाइफ में होती हैं। और नो डाउट कि यहाँ पे आने के बाद एक राह मिली कि भाई आगे जाके क्या करना है। अब रिसेंटली मैं भी लेक्चरर हूँ, खुद टीचर की जगह पे ऊपर रख के देखता हूँ तो यार पता लगता है कि यार टीचर का वाकई क्या रोल है। आपको कौन से? मैं इंडस यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं अभी पीएचडी परसू कर रहा हूँ अपना। तो नो डाउट के यहाँ पे आके और अपनी यादें ताज़ा करके टीचर से मिलके यूनिवर्सिटी को अल्मा मैटर को देख के अपने और इसको ग्रोथ होते हुए देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। यानी दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में जो मशहूर होता था कि भाई ये जो है ना यहाँ पे तो ब्लैक लिस्ट हुई हुई थी और पढ़ाई नहीं होती और हंगामे होते रहते थे, और जिस तरीके से यहाँ पे वहीद भुट्टो साहब ने और हमारे चांसलर फैजुल्ला अब्बासी साहब ने जो स्टेप्स लिए और उसके बाद जो है ये इसके अंदर करिकुलम एक्टिविटीज़ को, करिकुलम तो बहुत ज़्यादा होती थी यहाँ पे, करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब करिकुलम के साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और प्रॉपर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से हो रही हैं तो अच्छा लगता है। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं भी इनका बैचमेट हूँ 89-90 का और इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा मेजर सब्जेक्ट है और मैं एक एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी इस पर मैं खासे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ इंडस्ट्रियल, और अब फ्यूचर में मैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और डायनामिक किस्म के इंडस्ट्रियल एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से इवॉल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशंस। होपफुली इट वुड बी वेरी। क्या यादें हैं, क्या उस जमाने की हंसी मजाक शरारतें? ज़ाहिर है कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है तो बड़ा गोल्डन एरा होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो वो दिन जो है वो तो बड़े यादगार होते हैं। तो इस तरह हमारे भी बहुत यादगार थे दोस्त और वो सारे खासे जो है करीबी ग्रुप के जो लड़के हैं वो अमेरिका और कनाडा चले गए। खुद मुझे भी मेरी इमिग्रेशन कनाडा की हो गई थी और मास्टर्स भी मुझे कनाडा से करना था, लेकिन समहाउ मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ड्रॉप करना पड़ा और उसके बाद फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इंसान उस पर फिर फोकस हो जाता है और इस तरीके से, और वो बेफिक्री के दिन जो कि स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और जितनी मौज मेला होता है वो तो ज़ाहिर है कि ख़त्म हो जाता है उसके साथ, लेकिन जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो डेफिनेटली बहुत यादगार दिन है और वो उसका कोई बदल नहीं। क्या मौज मेला क्या होता था सर? बस ये है कि इंजॉयमेंट रहती थी, एक अच्छा रहता था, क्लासेस होती थी और क्लासेस वक्त पे ख़त्म हो जाती थी और स्टूडेंट्स के साथ इंजॉय करते थे। और चूंकि ये दाऊद यूनिवर्सिटी है, इसमें जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये था कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स होते थे तो हमें एक तरीके से हर कौमियत के लोगों के साथ एक इंट्रैक्शन का बड़ा अच्छा मौका मिला, इसको बहुत हमने इंजॉय किया। शुरू में जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो उस वक्त तो ये चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप हुई और उसके साथ इसके अंदर काफ़ी एक अच्छा सिलसिला रहा। और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोगों को एक मौका मिला कि हम पाकिस्तान टूर पे भी गए तो उसके अंदर भी तमाम जो हमारे
बैच मेट्स थे और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के थे, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट करी। अगर हम के पी के में हैं तो वहाँ पर हमारे क्लास फेलो हमें बताते थे कि भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि वो उनसे फेमिलियर थे, तो इस वजह से हमें उनके साथ बड़ी एक अच्छा एक टाइम रहा उनके साथ पास करने का। इसी तरीके से हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी आसानियाँ हुई, और एक बड़ा अच्छा हमारा एरा था जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो। जो सबसे अहम तरीन बात कि हम अपने एक प्रिसाइज टाइम के अंदर डिग्री लेके यहाँ से पास आउट हो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैयद असाद मसरूर है, मैं 2016 इलेक्ट्रॉनिक्स का पास आउट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा आबिद है, मैं 2016 में पास आउट हूँ जी। तो करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ IIH में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या यादें थी दाऊद, कॉलेज था उस वक्त या यूनिवर्सिटी हो चुकी? यूनिवर्सिटी थी। तो क्या यादें थी? बहुत सारी यादें थी, सबसे अच्छी याद फाइनल ईयर टूर थी। अच्छा। जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने कराया था फाइनल ईयर में, और मतलब वो एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। अच्छा। हर स्टूडेंट के लिए, और वो हर यूनिवर्सिटी कराती भी नहीं है। मेरे ख्याल में कराची की यही यूनिवर्सिटी है जिसने अपने खर्चे पर करवाया था। आपकी क्या यादें? यादें तो बहुत सी हैं, यूनिवर्सिटी गेट सेंटर होने से एग्जिट होने तक जो भी पल थे वो यादगार पल ही हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा यादगार वो थे जिस पीरियड में पढ़ाई का दिल नहीं करता था, तो फिर वो पीरियड बंक मार के और कैफे में बैठ के दोस्तों के साथ गपशप करना, वो पल थे। फिर फाइनल ईयर टूर जो था वो एक मेमोरेबल इवेंट था, उसमें जो हमने सब दोस्त मिलके गए और एक यादगार जिंदगी के जो है ना वो लम्हात हैं। बस अभी भी हम आए थे, इंटर हुए थे, तो वो दिन याद आ गए, वो रिकॉल हो गए, पहला दिन जब हम दर्द यूनिवर्सिटी में इंटर हुए थे। तो बस एक ये चार साल ऐसे गुजर गए पता भी नहीं चला, और मतलब जिंदगी के दिन ऐसे गुजरते जा रहे हैं।